नमस्कार जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुका हूँ चंपावत गौशाला में, और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ बिल्डिंग की, और इस जगह की जो सबसे हाइट है, यहाँ पर ये रेसिडेंशियल बना हुआ है, तो वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा चाचौड़ा बीनागंज के क्षेत्र का पूरा व्यू। तो आप देख सकते हो ये चाचौड़ा, और यहाँ से ये कुछ दूरी पर चंपावत गौशाला है जहाँ पर मैं आया हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ से पूरा शानदार व्यू देखने को मिलेगा। इधर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है ये चाचौड़ा फोर्ट, तो काफ़ी नज़दीक है, और इसके जस्ट बगल में ही बागेश्वर धाम है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चल रही है तो मॉर्निंग का समय है, और काफ़ी शानदार व्यू आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जस्ट नज़दीक चाचौड़ा फोर्ट है, जिसे चंपावत फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक स्थल है ये चंपावती नगरी, और इसके जस्ट बगल में ही बागेश्वर धाम है, जिसे हम बागेश्वर कहते हैं। और ये है चाचौड़ा सिटी, काफ़ी शानदार बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, जबरदस्त व्यू आपके सामने है। और ये आश्रम यहाँ पर बनी है चंपावत गौशाला, ये है आश्रम के ऊपर आने का रास्ता, ये जो रोड दिख रही है, और ये है यहाँ का चारों ओर का व्यू देख सकते हो गाइस। और सामने दिख रही है बीनागंज सिटी, वीडियो आपको पसंद आया हुआ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। और दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ आपको नीचे, जहाँ पर संत भगवान रहते हैं, उनकी ये छोटी सी कुटिया है, अकेले ही रहते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। ये सीढ़ियाँ ऊपर और नीचे आने जाने के लिए, और ये है संत भगवान की कुटिया, देख सकते हो। ये भूमि पूजन अभी करवाया था और बन के तैयार हो चुकी है। तो ये पड़ी है यहाँ पर लकड़ियाँ आश्रम की। ये भगवान की कुटिया देख सकते हो, और मैं भी दर्शन करवाऊंगा। तो दोस्तों ये हमारे संत भगवान जो यहाँ पर निवास करते हैं। जय श्री राम।